अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। दर्शन करने आए हो, कौन सा मंदिर है, मंदिर की क्या मान्यता है और क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी भैया आप सभी लोगों को। ये भैया माँ चामुंडा माता रानी टेकरी का मंदिर है। यहाँ पर हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और यहाँ से हर जिले से यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी अधिक से अधिक संख्या में आकर माता रानी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि माता रानी इन सारे भक्तों की उम्मीदें पूरी करें। अच्छा, आज देखा गया कि लगातार जो दर्शनार्थियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और एकदम अभी संख्या भी बढ़ी है, कितने पब्लिक यहाँ पे अभी आई है? अभी फिलहाल में हजारों से ऊपर तो जनता होगी, अपन कह नहीं सकते, माता रानी के भक्त की तो कभी गिनती नहीं होती है। लेकिन बट यहाँ पर जो भी आता है कभी माता रानी के दरबार से खाली नहीं जाता, क्योंकि ये दो देवियों का वास है और यही हमारा देवास है। जय माता। क्या नाम है आपका? राजा राणा भैया फौरन देवास। मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, आज नवरात्रि का चौदह दिन है और लाखों की श्रद्धालु में आज भी लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, क्या मंदिर का इतिहास है और क्या कहना चाहेंगे? आज नवरात्रि का शरद नवरात्रि का चौथा दिन है। माता कुष्मांडा के रूप में माँ के पूजन होगी और लाखों पब्लिक ने दर्शन कर चुकी है और दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं, माँ भगवतों की मन्नत पूरी करती है। पंडित जी, आज भी देखा गया कि लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पे? रोज के रोज यहाँ पे विशेष रूप से पब्लिक भक्तों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आने वाले सप्तमी अष्टमी पे बहुत भव्य पब्लिक आने का अनुमान है। पंडित जी, मंदिर का क्या इतिहास है? ऐसे माँ सती के रक्त गिरे थे, यहाँ पे रक्त वाहिनी चामुंडा कहते हैं। देवी दिन में तीन रूप बदलती है, सुबह बचपना, दोपहर में जवानी, शाम को बड़ा स्वस्थ हुआ। और जिसको संतान नहीं होता और माँ के मुंह में पांच पान का पीड़ा दिया जाता है, संतान होने वाली होती तो माँ के मुँह से पीड़ा गिरा माँ लगा देता है। पंडित जी, आपका नाम? मेरा महंत सुरेश नाथ पुजारी।